Now, ahead of the upcoming assembly elections in Uttar Pradesh, SP Chief and Azamgarh MP Akhilesh Yadav is all set to contest the upcoming assembly elections. Akhilesh Yadav will be addressing a press conference also later in the day. He had earlier said that he would not contest polls and would prefer to focus on every seat in the state. Akhilesh Yadav has never contested state assembly polls, and this would indeed be the first for him. Chief Minister Yogi Adityanath's decision to take a poll plunge this time from Gorakhpur and Deputy CM Keshav, Keshav Prasad Maurya's decision to contest from Sirathu seems to have really forced Akhilesh Yadav here to change his mind. Reports of Akhilesh Yadav contesting the upcoming elections comes just on the day sister-in-law Aparna Yadav joins the BJP in Delhi. And we know that BSP Chief Mayawati is of course not contesting polls she announced earlier. उत्तर uh, uh, now, now प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं है और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं सांसद के रूप में भी असफल हैं और उनको इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों की पहली सूची आई हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मेरा भी नाम पहली सूची में आया लेकिन अभी भी कहते थे कि हमने बड़ा विकास किया है जो विकास योजनाएं आती थीं उस पर स्टिकर चस्पा करने का काम की हमने ये शुरू किया है और कोई विकसित क्षेत्र उनके द्वारा जो विकास किया गया है उस क्षेत्र से उनके अंदर चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है देखिए ये मन से चुनाव तो नहीं लड़ने वो जा रहे हैं भरे मन से चुनाव लड़ने जा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को आदरणीय केशव मौर्या को जो लड़ाने की बात की है उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहाँ इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव तो अब भरे मन से ये एक अभी आवाज़ है चुनाव उनाव लड़ना पसंद करते नहीं हैं बैकडोर से आए थे तो बैकडोर से ही वो सत्ता पाए थे इसलिए मैदान में जाने वाले लोग जो होते हैं वो मैदान में हमेशा दिखाई देते हैं भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सेवा भाव के लिए मैदान में रहता है और ये स्वार्थ के लिए आज और या मजबूरी के तहत चुनाव में जा रहे हैं तो उसका परिणाम उनको पता है अच्छी तरह से पता है